एंटमैन के विलन कैंग और थॉर के विलन गौर द बच्चा चोर के बीच की सबसे बड़ी सिमिलैरिटी जानते हो? एक ऐसी सिमिलैरिटी जिसने सबका दिल तोड़ दिया। तो देखो, हम सब जानते हैं कि कैंग एक ऐसा विलन है जिसके सामने कॉमिक्स में कोई भी नहीं टिक पाता है। वो बातें कम और काम ज्यादा करता है। और बिल्कुल ऐसे ही गौर भी एक बहुत ही तगड़ा विलन है जिसे हैंडल करने के लिए 3 थॉर भी कम पड़ गए थे। और जब हम क्वांटमेनिया और लव एंड थंडर मूवी देखते हैं तब उसमें उनका बिल्डअप भी ऐसे ही किया जाता है। वो आ रहा है सबका बाप जो सब तबाह करके रख देगा, जिससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तब ये सब देख के लगता है कि हाँ, ये विलन दमदार है जिसे हैंडल करने में हीरो की भी फटेगी। लेकिन जब ये लोग सामने आते हैं तो फिर वो काम कम और बातें ज्यादा करते हैं। कैंग महाराज तो चीटियों से हार गए और गौर गॉड बुचर की जगह बच्चा चोर बन गया। मतलब इन दोनों के ही प्रेजेंटेशन पे वो वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, या फिर कह लो कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है?